नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहते हैं छाज के साथ छलनी भी खनकती है। भारत और चीन के बीच पेंगोंग तसो में सीमा विवाद बढ़ा तो सबसे पहले पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा, यानी मदरसा पैदा इसने साबित कर दिया कि ये बेगानी शादी का मुल्ला दीवाने है। इसके लिए इमरान लोंडा बाकायदा ट्विटर को रणभूमि समझकर आया था। शेख रशीद जैसे गवारू मुल्ला भी चार चंदे उछलने लगे थे, मगर उसकी यह बकरी कुदान 24 घंटे भी नहीं ठहर पाई। जिस चीन का समर्थन करके पाक भीख के नए रास्ते तलाश रहा था, उन्हें सऊदी अरब और तुर्की की एक ही गुड़की ने उल्टे पास बली नाला कर दिया। इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि वह चीन का समर्थन करने से बाज आए, अन्यथा उसको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान का जोश साबुन के झाग की तरह बैठ गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर यह दबाव डालने के लिए अमेरिका ने सऊदी को मैसेज भेजा था, जबकि तुर्की का उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन से गहरा मतभेद है। चीनी उइगर तुर्क मूल के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका चीन में वर्षों से उत्पीड़न होता रहा है। दरअसल पाकिस्तान भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद से फायदा उठाने की सोच रहा था। उसे लग रहा था इससे दो काम एक साथ हो जाएंगे, भारत पर निशाना साधकर वह चीन का समर्थन भी जाहिर कर देगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की घेराबंदी का खाका भी तैयार कर लेगा। यानी पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत सीमा विवाद में उलझा है और इस वक्त में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, मगर मोदी सरकार पूरी तरह चौकस है। उसने जो कूटनीतिक दांव चला उससे इमरान खान पसीने पसीने हो गया। अब हालत यह है कि पाक के मुल्ला बांग देते हैं तो इमरान लोंडे की धड़कनें बढ़ जाती है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चिंता पीओके को लेकर सता रही है। दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। उसे भय है कि अगर यह दोनों देश आपस में भिड़ गए तो यह जंग कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी, जिसे दुनिया के बहुत से देश एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इस जंग में चीन के साथ रूस, ईरान और उत्तर कोरिया हो सकते हैं। उसके लिए बड़ी चुनौती यही होगी कि वह किस पाले में जाए। अगर वह अमरीकी खेमे में गया तो चीन से उसके संबंध खत्म हो जाएंगे, जबकि अमेरिका के खिलाफ जाने पर वह पीओके को खो सकता है, क्योंकि इन हालातों में मोदी ट्रंप की जोड़ी एक साथ रहेगी और मोदी इस मौके का फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। यानी भारत हर हाल में उसके द्वारा कब्जाए गए कश्मीरी हिस्से पर चढ़ाई जरूर करेगा। यानी इमरान खान खेत में खड़े होकर अभी भी कोवे उड़ा रहे हैं। शायद पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि सऊदी अरब और तुर्की भी उसकी इस हरकत पर चढ़ दौड़ेंगे, पर मामला यहां तक नहीं है। पाक के मदरसों में कूटनीति के नाम पर गर्दन पटकना और पिछवाड़ा उठाना ही सिखाया जाता है। भारत इस वक्त भी पाकिस्तान की घेराबंदी किए हुए है। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय फौज का भारी जमावड़ा है। भारत को अंदेशा है कि मुल्ला मुल्क भारत चीन की टेंशन की आड़ में अपने जमूरों को भारत में प्रवेश करा सकता है। कुलगाम में आज सेना ने दो जमूरों को ठोक कर अपनी चौकसी के संकेत भी दे दिए हैं। हालांकि सीमा पर मौजूद भारी भरकम फौज से पाक की टेंशन भी कम नहीं हुई है। उसे भारत द्वारा किसी कार्रवाई का अंदेशा है, इसलिए पाक फौज भी अपनी सीमा में पूरी चौकसी बरत रही है। वैसे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत एक साथ दो मोर्चों पर लड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में घबराहट कहीं ज्यादा है, परंतु दिक्कत यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी अब भारत पर ज्यादा जबानी वार नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ चुका है। सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा है तो नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की चीन को लताड़ लगा सकता है। चीन से जुड़े किसी भी मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान खामोश रहने में ही भलाई समझ रहा है। उसकी हालत यह है कि वह चीन के साथ खड़ा हुआ दिखना तो चाहता है, लेकिन वह अपने ही जाल में उलझा है। संभवतः चीन भी पाकिस्तान की मदरसा चालबाजियों को जरूर देख रहा होगा। उसे यह भी पता लग गया होगा कि पाक की मुल्ला कौम गद्दार होने के साथ मक्कार भी है। ये वही कौम है जो मुसीबत में गद्दे को माँ बाप भाई बहन तक बना लेती है। इसलिए सऊदी अरब की घुड़की के 24 घंटे बाद ही पाकिस्तान मुंह पर ताले लगाकर बैठ गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।